सरकार ने प्रदेश के गरीब बच्चों को कुपोषित होने से बचाने और उन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंगनवाड़ियों में अंडा वितरित करने की योजना बनाई है, जिसे जल्द ही लागू किए जाने की भी योजना है। सरकार के इस फैसले का राजनीतिक विरोध तो पहले से हो रहा है, अब इसका सामाजिक विरोध भी शुरू हो गया है। इसके विरोध में समग्र शाकाहार जैन समाज के साथ 50 संगठनों ने संभाग युक्त को ज्ञापन सौंप अंडा वितरित नहीं किए जाने की मांग की है। समग्र शाकाहार जैन समाज के प्रकाश जैन का कहना है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से भी मांग की है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों में अंडा वितरित नहीं किया जाए। यह देश की संस्कृति से हटकर है और इससे बच्चों में मांसाहारी प्रवृत्ति पैदा होगी, जो समाज और पर्यावरण के लिए उचित नहीं है। ऐसे में सरकार अंडा वितरण के अपने फैसले को वापस ले। जैन के अनुसार हमने अंडे के दुष्परिणाम के साथ ही अन्य किन वस्तुओं में विटामिन की मात्रा भरपूर है, इसका भी ब्यौरा ज्ञापन में उल्लेखित किया है। आपको एक ज्ञापन हम यहाँ पर सौंपने जा रहे हैं, जिस जो हमें यह ज्ञापन कमिश्नर साहब उस ज्ञापन को अपने अपने जो सिस्टम सरकार का होता है उस सिस्टम के अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की ओर प्रेषित करेंगे। वो इस तरह से हैं, माननीय श्रीमान कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय, मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में अंडा प्रदाय नहीं करने बाबत निवेदन आग्रह है। माननीय महोदय, निवेदन है कि कुछ दिनों से समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में शासन की ओर से बच्चों को अंडा प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के अधिकांश बच्चे शाकाहारी हैं एवं आंगनवाड़ियों में अंडा प्रदाय किए जाने से उन बच्चों की धार्मिक भावनाएँ प्रभावित होगी एवं उन्हें ठेस पहुंचेगी। इस कारण उन बच्चों के परिवारजन बच्चों को आंगनवाड़ियों में भेजना बंद कर सकते हैं।